बेबी का और अभिषेक की लड़ाई देख के मेरा तो दिल दहल गया भाई गॉड, मुझे ऐसा बिल्कुल भी मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये तो। मैं यहाँ बैठ के डर रही हूँ, मैंने कहा हाय भाई कहीं गलत ही ना हो जाए कुछ। गुड मॉर्निंग, उठ गए हैं हम और आज हम सुबह सुबह उठकर ही मूवी देखने जा रहे हैं आदि पुरुष। और मूवी 12 बजे की थी, 12 ऑलरेडी बज चुके हैं, लेकिन ये मैडम जो है ये अभी तक जो है तैयार ही हो रही हैं। और पिछले आधे घंटे से मैं इनको बोले जा रहा हूँ मम्मी चल लो, मम्मी चल लो, मम्मी चल लो, लेकिन इनका तैयार ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तैयार ही नहीं खत्म हो रहा है। कभी कपड़े बदलने हैं, कभी खाना खाना है, कभी खाना खिलाना है, कभी मेकअप लगाना है, कभी मॉइस्चराइजर लगाना है, कभी डियो लगाना है, चिड़वे खिलाने हैं, चिड़वे खिलाने हैं, दीदी जी के साथ बातें करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन बस मूवी ही नहीं चलना है। इतना शोर मचाया हुआ था इसने, चलो 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 चलो, मिस हो जाएगी, मिस हो जाएगी। आए हैं देख ले, 2 मिनट में पहुंच गए, और इतनी तेज चल के आए ना, बुरा हाल हो रहा है मेरा तो स्वेटिंग से, और इसको बिल्कुल पसीना नहीं आया। नहीं, मुझे पसीना आ रहा है पर गर्मी नहीं लग रही। मेरे को देखो हैंकी भी नहीं उठाने दिया, पसीना आ रहा है पर गर्मी नहीं लग रही है, क्या लॉजिक है? मेरे को तो बहुत लग रही है, मेरे को बहुत पसीना आ रहा है। Oh, आज फर्स्ट टाइम है जो मैं हैंकी लेके आई, नहीं तो मैं हर टाइम अपने पास हैंकी तो जरूर रखती हूँ। गर्मी इतनी ज्यादा है, अंदर आके मजा आ गया। पता कितने दिनों से मैं कह रही थी सारी दुनिया ने आदि पुरुष देख ली, हमने नहीं देखी क्योंकि ये गया हुआ था मुंबई, और अभिषेक वैसे बिग बॉस में रात को पहुंचा, मलन साहब तो वैसे ही बेड से ही नहीं हिलते, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन सी मूवी लगी है कौन सी नहीं। अगर टिकट बुक करवा रहा ना मम्मी, जब थिएटर खाली था, 3 सीटें बुक थी बस, पूरा थिएटर खाली पड़ा लग रहा मेरे को। मुझे लग रहा है हॉल में बैठ के हम ही देखने वाले हैं बस, दोनों जाने तीसरा कोई, तीसरा अब्बू। अब्बू इसलिए क्योंकि जब इसका ट्रेलर आया था ना तो उसने मेरे साथ प्रॉमिस करा था कि मम्मी मैं आपके साथ देखूंगा आदि पुरुष। अब वो है बिल्कुल, मेरे को भूख लगी है, हम आए और पॉपकॉर्न ना खाएं ऐसे कैसे हो सकता है। भैया ने देखा मुझे बहुत पसीना आ रहा है, उन्होंने टिश्यू भी दे दिए मेरे को, रेडी हो देखने के लिए वो मूवी जो वैसे तो हमें स्टोरी तो पता ही है। हाँ। लेकिन इस मूवी में क्या है वो भी पता चल चुका है, 6000 वीडियोस तो मैं देख ही चुका हूँ लोगों की, आज फाइनली खुद भी देख के पता चलने वाला है मेरे को कि क्यों बोलते हैं लोग, सारी दुनिया ने वीडियो डाल दी इस पे। हाँ। मैंने कहा हम क्यों पीछे रह गए, हम भी तो देखे, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई मूवी, जल्दी करो है ना, मेरे को तैयार भी नहीं होने दिया, मिस नहीं होनी चाहिए, क्या चल रहा है मिशन इम्पॉसिबल का ट्रेलर, यही देखने आया था मैं। अच्छा। One eternity later. तो हो गई मूवी खत्म, आ गए बाहर हम, मैंने कहा सब लोग रिव्यूज दे रहे हैं अपने अपने, तो हम भी अपने रिव्यूज दे देते हैं। मैं बताऊं जो सब लोगों ने बातें बोली हैं सब सही हैं, एंड मूवी के डायलॉग्स वगैरह एक्चुअली में आर नॉट टू गुड, एंड क्रिएटिव लिबर्टी जिसको हम बोलते हैं ना वो मतलब एक वो होता है कि क्रिएटिव लिबर्टी को ज़्यादा ही ले गए कुछ, मतलब कुछ भी कर दिया उसके चक्कर में, बट जहाँ पे मूवी अच्छी है वहाँ पे अप्रिशिएट भी करूँगा मैं। फाइनल सीन जो है रावण वध वाला वो बहुत विजुअली बहुत अच्छा है, मेरे को ना सबसे पहला सीन बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट सीन भी अच्छा है, बहुत अच्छा जब वो सीता माता को उठा के लेके जा रहा होता है वो भी बहुत अच्छा है, तो मतलब VFX वगैरह कुछ कुछ जगहों पे बहुत अच्छे हैं, बट देन वानर सेना जो उन्होंने दिखाई है यार, जब हनुमान जी को उन्होंने कैरेक्टर एक इंसान बनाया तो पूरी की पूरी वानर सेना को भी वैसे ही बना लेते, उसमें पूरा का पूरा CGI डाल दिया, वो इतना फेक कर दिया, तो मतलब और कुछ कुछ VFX अच्छे भी हैं, जो श्रीलंका नहीं लंका, जो लंका थी वो तो सोने की लंका थी, और ये उसको मम्मी हर कोई बोल चुका है काला दिखाया एकदम, लंका पूरी ब्लैक है, और क्या कहना चाहेंगे आप सर? और बाकी क्रिएटिव लिबर्टी में ज्यादा ही लिबर्टी ले ली, रोमांटिक सॉन्ग डाल रहे हैं, रोमांटिक सॉन्ग डाल यार उसकी क्या जरूरत थी, पता है एक्चुअली में पता है मूवी कहाँ से खराब होनी शुरू हुई, जहाँ पे रोमांटिक सॉन्ग डाल दिया वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, और उसके बाद मेरे को भाई बिल्कुल आई वाज लाइक क्या आई, कुछ कुछ जगहों पे दिखा रहे हैं कि हनुमान जी को कुंभकर्ण ने भाई वो लात मारी है, लात मार दी, उड़ा दिया उनको, और अगर श्री राम ना बचाते तो हनुमान जी को तो मार ही डालता कुंभकर्ण, क्या दिखा रहे हो
तुम्हें पता है क्या दिखा रहे हो तुम? आर यू ओके? मतलब वो बजरंगबली है भाई, उनको क्या, मैं उस पॉइंट पे था लाइक भाई जब से इन्होंने ये रोमांटिक गाना डाला उसके बाद से तो मूवी बस ऐसे ही हो रही है ऐसे। मैंने कहा कम से कम ये तो नहीं बोलेंगे हमने आदि पुरुष नहीं देखी, सारी दुनिया ने देख ली है ना। चलो शौक पूरा हो गया, बड़े टाइम से वेट कर रही थी मैं, नोनू आए तो फिर देख के आए। दिन में ही रात हो गई, लाइट जली हुई है, दरवाजा खोल दो, लाइटें क्यों जल रही हैं बाहर की? फिर वही एज ऑलवेज कोई पूछने की बात है। सारा दिन टाइम हो गया होना थोड़ा चाह बिल्कुल बस बिग बॉस हाउस में अभी ना लंगूर आ गया और ये फटाफट भाग गया अंदर ऐसे जैसे पता नहीं इसको ही चिपक रहा है, इतना डर गया। मुझे अबे जहाँ खड़ा हूँ ना 36 पुश्ते लग जाएगी तेरे को मैं पहुँचने में, समझी? भाई क्या देख लिया मैंने, अभिषेक को इतनी जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए। टू बी ऑनेस्ट हमारे घर में चार लोग रहते हैं हम, एंड अभिषेक सबसे ज्यादा चिल है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने कभी उसको लाइफ में चीखते चिल्लाते हुए नहीं देखा। एंड वो इतना ज्यादा हाइपर हो गया भाई, उसको बोल रहा है ये वो तू जहाँ पे है ना, लाइक भाई क्या कर रहा है यार अभिषेक भाई। बट पता नहीं क्यों फिर मैंने इंस्टाग्राम खोला, लोगों को बहुत मजा आ रहा है, दे आर एंजॉयिंग, अरे वाह अभिषेक भाई ने ले ली, अभिषेक भाई सैवेज, अभिषेक भाई डैंक, बट ओके ही इज डैंक आई गेट इट, बट स्टिल अभिषेक बहुत ज्यादा चिल है यार वो बंदा, मैंने कभी उसको जिंदगी में चीखते चिल्लाते नहीं देखा। आई एम द वन जो ज्यादा चीखता चिल्लाता है, वो तो एकदम शांति से बैठा रहता है। आई जस्ट होप थोड़ा चिल मारे वो, एंड बाकी तुम लोगों को मजा आ रहा है तो ठीक है, फिर अगर यही चाहिए तो फिर भाई दे रहा है वही। बेबी का और अभिषेक की लड़ाई देख के मेरा तो दिल दहल गया भाई गॉड, मुझे ऐसा बिल्कुल भी मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये तो। ये पीछे से कही जा रहे हैं कभी नहीं अब्बू को तो मैंने लड़ते देखा, किसी से भी नहीं लड़ते देखा, वो तो कभी हाइपर होता ही नहीं है, इतनी आवाज ऊंची नहीं करता, आज उसकी इतनी ऊंची आवाज देख के मेरे को तो मैं मतलब आई वाज शॉक्ड। मैं यहाँ बैठ के डर रही हूँ, मैंने कहा भाई कहीं गलत ही ना हो जाए कुछ। एक्चुअली क्या ना इतने दिन हो गए उसने सोचा होगा ना कि कुछ हो ही नहीं रहा बिग बॉस हाउस में, तो कुछ हो ही नहीं रहा, बस खा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो चलो थोड़ा सा फन करते हैं। हमारे घर का सबसे शांत बच्चा आज इतना अग्रेसिव हो गया सिर्फ बिग बॉस में, अब मूड अपसेट हो गया, अब खाना नहीं खाएगा बताओ, अब ये पक्का परेशान हो जाएगा। मलन साहब को ना 4 बजे मैंने चाय पिलाई है और अब 5 बजे से फिर से शुरू हो गया, चाय पिला दे चाय पिला दे चाय पिला दे। मैंने कहा आप इतनी गर्मी है मत पियो चाय, पेट वैसे ही कह रहे मेरा अपसेट है, नारियल पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, छाछ पी लो, कुछ भी पी लो यार, इतना कुछ है पीने को। नहीं, आधा घंटा शांत हुए हैं, मैंने कहा चल भूल गए हैं, लेकिन अब फिर चाय पिला दे चाय पिला दे। मैंने कपड़े संभाल लिए, सब कुछ सारा काम कर लिए, अब जाके मैं बैठी हूँ तो फिर शुरू हो गए चाय पिला दे। तो भाई जब तक इनको चाय नहीं पिलाऊंगी ना इन्होंने हटना ही नहीं है, तो इसलिए रख दी फिर से चाय मैंने। सही कह रहा था अभिषेक कि मम्मी नए घर में ना एक चाय की मशीन लगाएंगे, तो मैंने कहा बेटा मशीन तो लगा देंगे लेकिन काम तो फिर भी मुझे ही करना पड़ेगा। उन्होंने तो मशीन में से निकाल के भी नहीं पीनी, वो भी इन्होंने आवाज़ लगानी है, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं और होटल में वो कैटल रखी होती है ना, तो पानी भी अपना गर्म नहीं करते, मेरे को उठा के कहेंगे यार चाय तो बना ले, तो मशीन लगाने का भी क्या फायदा, बनानी तो मुझे ही पड़ेगी, तो इससे अच्छा गैस पे ही बनाओ। लो जी आई होप कि अब शांति मिल जाए आपको, प्लीज इसके बाद मत मांगो। नहीं जी मैं इसके बाद पागल हूँ जो मांगूंगा, जबरदस्ती पिला देती है मेरे को चाय। थक गए बिग बॉस देख देख के? हाँ, सुबह 7 बजे शुरू करते हैं और शाम के 7 बजे बंद कर रहा है, कह रहे चल यार थक गए अब थोड़ी सैरी कर लेते हैं। कभी सोचा था जो अपने घर का इतना शांत लड़का बिग बॉस में जाएगा और वहाँ पे लड़ाई करेगा,
झाड़ू पोछा करेगा, बर्तन भी धोएगा। बेबी का उसको बार बार पोक कर रही है, इसलिए वो फिर कहीं ना कहीं तो आदमी को थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है, फ्रस्ट्रेशन निकलती है। इश्क चेचना।